बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नमान कयूम। तुसी देखते पाए हो गंधारा इनको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया हुए कि पाक फौज मादरे वतन नु दरपेश किसी भी खतरे दा पूरी तरह जवाब देने वास्ते तैयार है। पाक फौज दे शोबे तालुकात आमा ISPR दे मुताबिक GHQ रावलपिंडी सालाना फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के तमाम जनरल ऑफिसर ने शिरकत की थी। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सलामती दरपेश चैलेंज से निमटने वास्ते तफसीली गौरव खोज किया गया। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने किया वे कि टैक्स देने नाल कोई खफा होता वे तो हो पाकिस्तान हर आदमी को टैक्स देना हो सी। उन्होंने किया वे कि साढ़े मुल्क अमीर लोग टैक्स नहीं देंगे, हूँ किसी को भी छूट ना दी जैसी, अमीर का टैक्स ना देना काबिले कबूल नहीं गा। अब्दुल हफीज शेख ने किया कि फाइलर ते नॉन फाइलर का फर्क खत्म करने पाया, कोई नॉन फाइलर कुछ भी खरीद सी तो उन्होंने फाइलर बनना हो सी। इनको अदबी तनकीदी बैठक परचोल के तहत गंधारा इनको अकेडमी दियाँ चार नवी किताबा, जिन्हें नज़ीर भट्टी की किताब शामे अलम, सिकंदर हयात सिकंदर की किताब सावी छां, अली अवैस खयाल की किताब गंजीना साई, तो प्रोफेसर असाम हुर की किताब हक अलाहू की तकरीब पजीराई कल शाम 6 बजे इतफाक किडनी अस्पताल गुलबार नंबर 1 चौसी। तकरीब की सदारत सूफी दानिशवर इकबाल सिकंदर कारसून, मेहमान खसूसी प्रोफेसर नासिर अली सैयद, मेहमान एजाज डॉक्टर नज़ीर तबसुम। इस मौके पर इकबाल सिकंदर, शीन शौकत, सुहेल अंजुम, सईद पारस मस्कूरा किताबों के अपने ख्यालात का इजहार कर सुन, जबकि इस मौके पर ईद मिलन इनको मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने किया कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा गलतियां की वजह नाल फतह नहीं मिल सकी। सरफराज अहमद ने किया कि यकीनी तौर पर असी बैटिंग लाइन की वजह नाल मैच हारे हाँ, अगर चल लोअर आर्डर हसन अली ने कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले, वहाब ने उमदा बैटिंग की थी। उन्होंने मजीद किया कि साड़ी टीम ने इब्तदाई 20 ओवर आस्ट्रेलिया को ज्यादा रन बनाने का मौका दिता। आमिर के अलावा दीगर बॉलर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। उन्होंने किया कि इतवार को अगला मैच साड़ा इंडिया के नाल हो सी, असी मैच जीतने की भरपूर कोशिश कर सी। शहनशाह गजल मेहंदी हसन की अज 7वीं बरसी मनाई जाती पई है। मेहंदी हसन 13 जून 2012 को इंतकाल कर गए। मरहूम ने 40 साल तक फने मौसीकी के उफक से हुक्मरानी की थी। प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, प्यार भले दो शर्मे जिनसे मिला मेरे दिल को। उन्होंने गाए हुए गुणा दुनिया भारी बेपनाह शोहरत मिली, इसी वजह नाल मेहंदी हसन शहनशाह गजल के खिताब से नवाजा गया। 4 दहाइयां तक फिल्म टीवी ते रेडियो अपने मशहूर कुन आवाज का जादू जगाने वाले मेहंदी हसन 1927 पैदा हुए। 1956 रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज किया, जबकि 1962 पाकिस्तानी फिल्म शिकार वसे पहली बार गीत रिकॉर्ड कराया। सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहंदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहंदी हसन साहब के गीत मतलब जो उन्होंने बनाए गजलें हों वो मैं गाऊं। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे एंड वी विल ऑल मिस हिम, उनके गजलें बहुत ही कमाल की थी। मेहंदी हसन साहब मैं पली बड़ी हूँ उनकी गजलों पर, मेरी मम्मी को बहुत अच्छे लगते थे और हम लोग सुबह सुबह मेरे पापा लगा देते थे, तो फिर बहुत दुख होता है ऐसा सुनकर, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके उनके कयाम हमारे साथ हमेशा रहेंगे। पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदामा हो गए रफ्ता रफ्ता। उन्होंने गीत गजलां ते कौमी तराने आज भी शायकीन ने मौसीकी दी समात गूंजदे पए। मुझे तुम कभी भी भुला ना सको। इस दे नाल ही आई दी खबरां खत्म होईयां, नवी खबरां नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज। आओ मिलके हिंदको दी दुनिया दी सैर करिया। असी हिंदको जबान की तहकीक ते तरक्की ते काम करने हैं। तुसी साडे नाल मिलके हिंदको दी तरवीज च हाथ मंडाओ। गंधारा हिंदको दी वैबसाइट ते आप भी विजिट करो ते अपने दोस्तों यारा नू भी विजिट करवाओ। स्क्रीन ते दिते गए लिंक दे जरिए वैबसाइट नू विजिट करो।